टॉमी की जैकेट $145 से लगी हुई है $99 में। सिलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत हैवी मुझे लग रही है, चाहे इन पे ऑफ है जब विंड वगैरह होती है, स्नो होती है, तो ये आपको बहुत बचाती है क्योंकि यहाँ पे आपको। हे एवरीवन, वेलकम टू सैनी टॉक्स कनाडा। आप लोगों के काफी कमेंट आए थे रिगार्डिंग विंटर गियर, सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए अच्छे और रिलायबल विंटर गियर्स की और सस्ते भी, सो आज की वीडियो जरूर देखना। सो चलो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो हडसन बे से। अब राइट नाउ मैं हडसन बे में हूँ। लेट मी शो यू द विंटर जैकेट्स। हाँ जी, तो अब हम पहुँच गए हैं सेल वाले सेक्शन में। मेरे पीछे सारी ये जैकेट्स हैं, लेकिन हमें टारगेट करना है कि कितने तक की जैकेट लेनी है। लेट मी टेल यू, अब तक मुझे 5 साल हो गए कनाडा आए हुए। जितनी भी जैकेट्स मैंने ली हैं 300-400 की जैकेट्स होती हैं, लेकिन ऑफ पे वो आपको $100 तक मिल जाती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टोर पर ले रहे हैं, किस टाइम पर ले रहे हैं। सो अब चेक करते हैं, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको कितने कितने की जैकेट्स हैं, या फिर यहाँ पर अगर हमें सही नहीं मिल रही तो हम दूसरे स्टोर पे जाएंगे, उस स्टोर पे भी बहुत अच्छी होती हैं, उसमें बाद में चलते हैं। पहले आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मेरे पीछे है नॉइज ब्रांड। अब इसमें ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ये जो फर है ना, ये हुड जरूर हो आपकी जैकेट के ऊपर, क्योंकि हुड से आपको जब विंड वगैरह होती है, स्नो होती है, तो ये आपको बहुत बचाती है क्योंकि यहाँ पे आपको कैप लेनी ही पड़ती है। इवन मैं तो हुड के नीचे भी कैप लेती हूँ क्योंकि विंडी जो सीजन हो जाता है स्नो में, उसमें स्नो बहुत ज्यादा आती है, सीधी आंखों पर आगे बढ़ती है, तो ये चीज काफी बचाती है आपको उस चीज से। सेकेंड चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जैकेट हैवी ना हो। मैंने सीके की जैकेट ली थी, बहुत अच्छी जैकेट थी, ऑफ पे मिल गई थी, लेकिन उस टाइम पे वो हैवी नहीं लग रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम डाली थी। लेकिन जब सारा टाइम डाल के रखनी पड़ती है ना जैकेट और हैवी होती है, तब आपको फिर वो टायर कर देती है। सो कोशिश करनी है कि हल्की जैकेट हो, डाउन फाइबर की हो, और कम से कम हमारी $100 की रेंज में अच्छी जैकेट मिल जाए हमें। सो ये वाली जैकेट इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत हैवी मुझे लग रही है, चाहे इन पे ऑफ है, सीके पे ऑफ लगा हुआ है, बट ऑफ भी कुछ खास नहीं है, 20% है। अब जैसे ये जैकेट्स आप देख रहे हैं, इस जैकेट में अब ना तो इसके पीछे वो हुड लगी हुई है जो मैं आपको बता रही थी, जो आपको बचाती है, और ये थोड़ी शॉर्ट भी है। ये वाली जो जैकेट्स हैं ये काम में आती हैं जब उतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती, और स्नो नहीं है लेकिन ठंड है, तो आप ऐसी जैकेट्स डाल लेते हैं। तो ऐसी एक जैकेट होनी चाहिए। जब मैं आई थी तो मुझे था कि यार दो जैकेट्स पर पैसे क्यों खर्च करने हैं, राइट? एक मैं बड़ी वाली जैकेट लूँ हैवी स्नो के लिए, एक मैं छोटी वाली लूँ ऐसी वाली लाइट के लिए। सो फिर मैंने सोचा कि यार एक ही लेते हैं क्योंकि उस टाइम पर पैसे भी नहीं होते, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो $100 का मेरा अपना बजट था। मैंने अपनी जैकेट ली थी कोलंबिया से। सो कोलंबिया एक बहुत अच्छा ब्रांड है, वो स्पोर्ट्स चेक में होता है। इसके बाद हम स्पोर्ट्स चेक जाएंगे, विनर्स जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही जैकेट ली थी और उस जैकेट से मैंने 2 साल निकाले थे, उसके बाद सेकेंड जैकेट बाय की थी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोर में। हडसन बे में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बार आप चेक जरूर कर लेना, कई बार हडसन बे में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ऑफ वगैरह पे। अभी थोड़ा टाइम वेट करते हैं, देन नेक्स्ट स्टोर पे जाएंगे। जब तक हम वेट करते हैं, लेट मी शो यू माई न्यू बैग। आई लव दिस बैग सो मच, इट्स सच अ नाइस कलर, इसका कलर इतना अच्छा है, प्लस ये पूरी प्योर लेदर है, लग्जरी लेदर। आप टेडी ब्लेक की वेबसाइट पे ज़रूर चेक करना, आपको बहुत अच्छे बैग वहाँ पे मिलेंगे अगर आप शौक रखते हैं लग्जरी बैग्स खरीदने का। मुझे बहुत शौक है। सो और ये स्पेशियस बहुत है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, प्लस मेड इन इटली है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये हैंडमेड है, मतलब हैंडमेड जो बैग्स होते हैं प्रीमियम क्वालिटी लेदर के, वो बहुत लंबा टाइम चलते हैं। पहले भी मेरे पास एक और बैग है जो अभी तक ब्रांड न्यू लगता है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टेडी ब्लेक वेबसाइट, आप वो वेबसाइट जरूर विजिट करना, उस पर ऑफ लगा हुआ है, अप टू 60% ऑफ है आई गेस। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे Sandy30, यू कैन गेट $30 ऑफ एज वेल। सो अब हम हैं विनर्स में। विनर्स एक ऐसा ब्रांड है जिसमें सारे आपको बड़े ब्रांड्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। सो इसको ज़रूर चेक करना जब भी आपको विंटर जैकेट या विंटर शूज़ लेनी है। सो चलो जी ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या रेट है और कितने में आप ले सकते हैं। मेरे पीछे ये बॉयज़ सेक्शन है, आप मानेंगे नहीं, बॉयज़ सेक्शन में जो नॉर्मल जैकेट्स हैं वो कितने से स्टार्ट हो रही हैं। लेट मी शो यू। सो सी, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड। सो दिस वन स्टार्ट्स एट $24.99। बॉयज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जैकेट्स हैं $24.99 से स्टार्ट हो रही हैं ये। और ये जो है ये MK की है, माइकल कॉर्स, आपने सुना होगा, माइकल कॉर्स बहुत अच्छा ब्रांड है। सो ये जो जैकेट है इसका प्राइस है $200, बट ये लगी हुई है $99 की, राइट? और इधर हम आगे हैं विमेन सेक्शन में। सो विमेन सेक्शन पे आप ये देख रहे हैं कि CK है एक्टिव वेयर में। अब हम जाते हैं विंटर गियर की तरफ। ये टॉमी की है, ये भी मुझे अच्छी लगी टॉमी की। ये देखिए, एंड ये देखिए, ये हमारे बजट में है। टॉमी की जैकेट $145 से
लगी हुई है $99 में. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड सेलेक्ट फॉर यू गाइज. लॉन्ग भी है और टॉमी की भी है, ऑब्वियसली लाइट वेट भी है. सो सिमिलरली यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं. मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको $100 में मैंने दिखा दिया कि ऑप्शंस मिल जाती हैं. ये अलग एक ब्रांड है लॉन्ड्री, ये भी अच्छी जैकेट है, इसकी भी लेंथ अच्छी है. इसमें अगर हम देखें कि ये कितने का है, इसमें हम देखते हैं, ये भी हमारे बजट में ही है. 175 की जैकेट है और $129 की पड़ रही है ये. सो दिस इज़ स्टिल गुड. इसमें भी फर है, लेंथ अच्छी है and this is lightweight as well. So I would say there are a lot of options in winners for winter gear. Definitely winners is a must visit. So देखा winner में कितनी ज़्यादा options थी. winners इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, चाहे आप सी के ले लो, लॉन्ड्री ले लो, डी के एन वाई ले लो, एम के ले लो, सारे ब्रांड्स यहाँ पे थे. और ज़्यादातर हमें $100 $125 के आसपास जैकेट मिल गई जो कि $200-$150 की थी. और उसके बाद आपको स्कार्फ चाहिए होगा, यहाँ पे भी बहुत सी ऑप्शंस है. स्कार्फ आपको इसके लिए चाहिए क्योंकि जब बहुत ठंड होती है ना तो विंटर जैकेट तो आपके पास है, आपके पास कैप भी है पफर वाली, राइट. लेकिन द थिंग इज फर वाली के बाद भी आपका जो इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है कि आँखें नाक ये भी आपको बचाना पड़ता है. विंटर मतलब एडमिंटन में तो ऐसा होता था जब हम सांस भी लेते थे, एक हफ्ता ऐसा आता था तो हवा में भी मतलब सांस लेने में भी इतना फील होता था कि इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, हवा भी जमती थी, ऐसा लगता था नाक में जम गई हवा. सो डेफिनेटली उस टाइम पर फिर पूरा अपना कवर करके रखना पड़ता है. मफलर आपको चाहिए कि आप अपना फेस भी ढक पाएं. आप इंडिया से भी लेके आ सकते हैं, यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैकेट एक ऐसी चीज़ है जो मैं सजेस्ट करती हूँ आप इंडिया से ना लेके आएं, आप यहीं पे आके बाय करें. अपने इंडिया के पैसे बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो जैकेट्स नहीं चलती. थोड़ा टाइम आप चला सकते हैं, मैं लेके आई थी जो इंडिया में ऑलरेडी मेरे पास थी लेकिन मैंने ली नहीं थी. सो यहाँ पे आके आप अपना $100-$150 अलग से रखें, फॉर मैक्स $200 अलग से रखें फॉर योर विंटर गियर, फॉर योर जैकेट. क्योंकि यहाँ पे आपको डाउन उतने -30 वाली जैकेट और लाइट वेट और वो कैनेडियन वेदर के हिसाब से बनाई जाती हैं तो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं. सो चलो जी, ये विंटर वाला आपका हमारा सॉल्व हो गया कि आपको कहाँ पे आना है, कहाँ से मिल जाएंगी अच्छी जैकेट. शूज़ में भी अगेन विनर्स को बिल्कुल मत मिस करना. विनर्स पे विंटर शूज़ भी आपको आराम से मिल जाएंगे सारे अच्छे ब्रांड्स के. तो अब मैं आपको यहाँ पे शूज़ भी दिखाती हूँ. जैसे कि ये विंटर शूज़ हैं, ये $50 के हैं, राइट. और इस पर कोई ऑफ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्रेश पे लगे हुए हैं यहाँ पे. और इतनी सी आपको लेंथ चाहिए, आई वुड से स्नो में आप चलते हैं तो आपके शूज़ के अंदर स्नो नहीं जाएगी, राइट. तो इतनी लेंथ आपको चाहिए. कई बार लोग इससे भी ज़्यादा ऊपर प्रेफर करते हैं. ये बॉयज़ का सेक्शन है, यहाँ पे बॉयज़ के शूज़ लगे हैं विंटर के. इतनी है, इतनी हाइट ज़्यादा चलती है इस वजह से इन लोगों ने इतनी हाइट के लगाए हुए हैं. इससे ऊपर ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते मुझे लगता है लड़के. सो ये लड़कों के लिए शूज़ है. और इसमें ये भी कितने का है, ये $140 से $79 का लगा हुआ है, राइट. सो ये $70-$80 के हैं लेकिन इससे भी सस्ते आपको मिल सकते हैं. आई वुड से कि $80 मत लगाना यार शूज़ पे स्टार्टिंग में. आप $30-$40 में आराम से शूज़ ले सकते हैं. विंटर के इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, बहुत से शूज़ पड़े हुए हैं. $30-$40 में आपको आराम से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से ये जो शूज़ है, राइट, ये भी शूज़ अच्छे हैं. ये कितने के शूज़ हैं, ये सिर्फ $50 के शूज़ हैं. और इस हिसाब से आप ले सकते हैं. इसके अंदर देखिए आप, पूरा गर्म है ये. तो साइज़ अपना थोड़ा देख के लें. विंटर शूज़ में यही ध्यान देने वाला होता है कि हम मोटी सॉक्स डालते हैं तो उस वजह से साइज़ थोड़ा बड़ा लेना होता है. तो ऐसे ही आपको $40-$50-$30 में ऑप्शन आराम से मिल जाती है. आपको अब आइडिया हो गया होगा कि आप कितने स्पेंड कर सकते हैं शूज़ पे और कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से ब्रांड में जाना है, विनर्स बेस्ट है. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोर पे. सो रिमेंबर, ये तीन जो ब्रांड आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, पहले हडसन बे, दूसरा विनर्स और तीसरा स्पोर्ट्स चेक. एट दी एंड ऑफ द डे चॉइस तो आपकी, आपको किसके साथ जाना है. लेकिन मेन पर्पस इज कि आपको एक अच्छी जैकेट भी चाहिए. जैकेट इससे सस्ती भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन एक अच्छे ब्रांड की जैकेट लेना क्योंकि इन्वेस्टमेंट की तरह है ये एक, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है स्नो में, राइट. सो अगर $100-$150 बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस है जैकेट के लिए. लेकिन सेल पे लेना, बिल्कुल फ्रेश में कभी स्पेंड ना करना. मैं तो कभी किसी कपड़े पे स्पेंड नहीं करती, फ्रेश में हमेशा सेल पे. और ऑफर्स वगैरह लग जाते हैं. अब हम पहुंच गए स्पोर्ट्स चेक. अब स्पोर्ट्स चेक में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है.
मैं तो मॉल में हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर है, लेकिन इनके ना फैक्ट्री आउटलेट स्टोर भी होते हैं। फैक्ट्री आउटलेट स्टोर पे आपको ज़्यादा ऑफ मिल जाता है, जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। सो ज़रूर अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास कहीं फैक्ट्री आउटलेट स्टोर है तो वहाँ भी जाके विजिट करें, एंड आई थिंक यू विल गेट द गुड डील। तो मैंने अपनी पहली जैकेट ली थी कोलंबिया की, स्पोर्ट्स चेक से ही ली थी, बहुत लाइट वेट है, मैं उसको सबसे ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद मैंने सीके की जैकेट भी ली है, टॉमी की भी ली है, लेकिन वो मुझे हैवी लगती हैं, वो अच्छी तो हैं लेकिन दिस इज़ व्हाट आई लाइक। कोलंबिया की जो जैकेट है वो आप ज़रूर चेक करना, कोलंबिया का ब्रांड, और स्पोर्ट्स चेक में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने की पड़ जाएगी। मुझे उस टाइम पे $110 की पड़ी थी आज से 5 साल पहले, अब तक बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरेंस लगा रखी है, सो ये वही है कि लास्ट ईयर वाला जो स्टफ़ होता है वो क्लियरेंस पे लगता है, और इस पर बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं आपको। ये किड्स की जैकेट्स भी हैं यहाँ पे, ये किड्स के लिए क्लियरेंस आई थिंक सो। सो ये जैकेट है जैसे कि राइट, सो ये जो है कितने की है, ये रिप जोन की है, ये भी अच्छा ब्रांड है, ये सिर्फ $99 की थी और ये $50 की लगाई हुई है, मतलब 50% ऑफ की ये मिल रही है राइट। सिमिलरली अगर हम इस जैकेट की बात करें, ये भी रिप जोन की है और ये जैकेट भी आपकी $70 की लगी हुई है 50% ऑफ 139 से। देयर इज़ वन मोर स्टोर फॉर शूज़ दैट यू शुड डेफिनेटली चेक, दैट इज़ कॉलेट स्प्रिंग। मैंने अपने जो पहले विंटर शूज़ लिए थे वो मैंने लिए थे कॉलेट स्प्रिंग से, और इन्होंने 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप इनके साथ चेंज करा सकते हैं अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो। अब पता नहीं रूल क्या होगा, बट जब मैंने चेंज कराए थे तो मैंने विद इन 6 मंथ नए शूज़ फिर से ले लिए थे कॉलेट स्प्रिंग से, जो मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी लगी, प्लस ये बहुत रीजनेबल था। H&M काफ़ी अच्छा है लेकिन विंटर जैकेट्स के मामले में मुझे H&M इतना पसंद नहीं है। सो आप देख सकते हैं, सो इसमें वैसे समर की जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता ब्रांड है, रीजनेबल है, अच्छा स्टफ मिल जाता है, लेकिन विंटर जैकेट्स के मामले में मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। सो अभी के लिए आज का जो विनर है वो है विनर, सो विनर्स पे ज़रूर चेक करना आप जैकेट्स और शूज़। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू द बेस्ट आई कैन फॉर विंटर जैकेट्स और शूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने ऑलरेडी अपनी विंटर जैकेट्स ले ली हैं किसी अच्छे ब्रांड से और कितनी की आपको पड़ी ये भी कॉमेंट करके बताना, सो दैट बाकियों की हेल्प हो सके। तो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।